में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले में। राज्य के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बुडको के पदाधिकारी, भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, स्थानीय विधायक सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बना लिया जाएगा और जिले के राजस्व वसूली में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आंतरिक वित्त संसाधन है, उससे जुड़े हुए सभी विभागों की हमने समीक्षा की है। हमारे अधिकारी काफ़ी तत्परता से राजस्व वसूली में बेहतर कर रहे हैं और उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक में जो इन्हें लक्ष्य दिया गया है, ये लक्ष्य से भी काफी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान वे मुजफ्फरपुर जिले के किसान गोपाल शाही से मिलने पहुंचे। मोहन भागवत ने गोपाल शाही की कृषि प्रणाली की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि हमारे देश के किसान वैज्ञानिक हैं और खेत उनकी प्रयोगशाला है। तो अपने देश में 10,000 वर्ष से खेती चल रही है। अभी आज की गणना करने वाले लोग कहेंगे कि नहीं नहीं इतना पुराना है ही नहीं अपना 6,000 साल जो भी हो, लेकिन दुनिया के किसी देश में नहीं थी इतनी पुरातन हमारी खेती है, सतत चल रही है। हम लोग खेती पर ही जी रहे हैं आज तक और आगे भी जिएंगे, लेकिन न हमारे यहाँ पर्यावरण की कोई हानि हुई न हमारे यहाँ अपने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,467 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा गया, सारण, पूर्वी चंपारण और पटना जिले से परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। एम्स पटना में सोमवार से ओपीडी सेवाएं पहले की तरह संचालित होने लगी हैं। इसमें आने वाले सभी मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें डॉक्टर देखेंगे। मरीजों की संख्या अधिक होने की वजह बावजूद बिना इलाज के किसी को नहीं लौटाया जाएगा। इलाज के लिए आने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी की सेवा जारी रहेगी। ओपीडी के साथ सभी पैथोलॉजी और जांच की सुविधाएं भी सोमवार से मरीजों को मिलने लगेंगी। और एक कारनामा सुपौल पुलिस का। इस कारनामे में दर्जनों भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उन पर रंगदारी मांगने का आरोप है, लेकिन गिरफ्तार आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्री विजेंद्र कुमार यादव के पीए विनोद कुमार भगत ने फर्जी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया है। इसी का खुलासा करने पर साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है। बिहार में गैंगरेप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में कैमूर के बिछिया गांव में शौच के लिए निकली महिला के साथ अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के एसडीपीओ रघुनाथ सिंह ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथ एकदम दोनों लोग पट के किचड़ा मिचड़ा कर ले गए। हमारा चेक बंद हो गए, जब पटक दिए तब उसको उतरते नीचे। सारी सुधा औरत है, टहलने के लिए अपने गांव से बाहर गई थी, तो पंचलिखी जो सड़क है उसी सड़क पर टहल रही थी, तो 4 लड़के पहले से ही बैठे हुए थे। चारों ने इसको देख कर अकेला उसका पीछा किया और उसके साथ 2 लड़कों ने बलात्कार किया और 2 लड़के देख। और अब खबर अपराध जगत से। कैमूर के सारंगपुर में पंचायत चुनाव से पहले बीडीसी प्रत्याशी छोटू गोंड की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि छोटू अपने गेहूं के खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने गोलियां चला दी। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यह भी बता दें कि मृतक दुमदुम पंचायत से चुनाव लड़ने वाले थे। बिहार के छपरा जिले के कोपा में NH-85 पर सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि पिकअप और ऑटो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने NH85 को जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में DSP कार्यालय में तैनात मुंशी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंशी संतोष कुमार पासवान पुलिस लाइन से अपने घर जा रहे थे, इस दौरान उनकी बाइक और अनियंत्रित ऑटो की टक्कर हो गई। वही घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संतोष कुमार सिपाही SDPO ऑफिस सदर सीतामढ़ी के ऑफिस में काम करता था, ऑफिस से निकल के गया है, किस काम से गया, उधर से लौट रहा था सोनबरसा तरफ से, उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया है। कैमूर के भभुआ में स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान 100 मरीजों का मुफ्त में आंख का ऑपरेशन करने के साथ ही निःशुल्क दवा भी वितरण किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सिंह के पुत्र ने बताया कि इस दिन हर साल 100 मरीजों का आंख का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है। गया के शेरघाटी में पासवान उत्थान मंच ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि निचले स्तर के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और आर्थिक मजबूती के साथ समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने की विशेष पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पासवान समाज में आर्थिक मजबूरी के कारण जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन्हें विशेष तौर पर शिक्षा दिलाई जाएगी। 10-10 में चल रहा हूं, लेकिन उनसे पहले इसका बस यही उद्देश्य है कि पासवान समाज जो वर्षों से पिछड़े है, अभी भी इनके घरों में शिक्षा की लौ नहीं जली है, इस घर घर तक पासवान समाज में शिक्षा की लौ को जगाने के लिए, सभी पासवान जातियों को शिक्षित बनाने के लिए, संगठित करने के लिए ये कार्यक्रम। बीते दिनों महंगाई के दर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, वहीं घरेलू गैस के दाम में भी वृद्धि होने से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। ऑयल कंपनियों ने एक बार फिर LPG सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी है। ऐसे में पटना में 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 867.50 रुपये हो गई है, पहले इसकी कीमत 817.50 रुपये थी। पटना में ऑटो से सफर करने वालों को भी अब महंगाई का बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ऑटो चालक संघ ने किराए में 30% वृद्धि करने की मांग रखी थी, जिसके बाद बिहार परिवहन प्राधिकार ने ऑटो का किराया निर्धारित कर दिया है। आज इस संबंध में DTO के जरिए पत्र भी जारी किया गया है, माफ कीजिएगा किया जाएगा, पत्र मिलने के बाद यात्रियों से बढ़ा किराया वसूला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।